Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from VTuition's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, you know that we have started this channel for improve the quality of education in Pakistan. Our dear students, you know that from this channel you get each and everything related to your concerned subject, every lectures of your concerned subject, and every helping material which is related to for the exam preparation. You get each and everything from our website. Students, we have started chapter number 4, and right now we will move to our lecture. Without wasting our time, I am sharing a screen right now. डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको कहा, चैप्टर नंबर 4 जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, और चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है वो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 7 टू 13 जो है वो हम आज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. फाइंड द एनथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 6 अपॉन 7 स्क्वायर है, राइट? 6 अपॉन 7 स्क्वायर, 11 अपॉन 7 स्क्वायर है, 16 अपॉन 7 क्या है, स्क्वायर है. तो इसको हमने फाइंड आउट करना है. ये ऊपर जो है स्क्वायर है. अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द नंबर्स ऑफ टेक्स द नंबर्स ऑफ नंबर ऑफ व्हाट नोमिनेटर नंबर ऑफ नोमिनेटर 6.11 6.11.16 राइट 6.11.16 अप टू सो ऑन. ठीक है, अब इसमें ए हमारे पास क्या है? 6 है. ठीक है, डी हमारे पास क्या है? 11 है, राइट? डी क्या है? 11 है. 11 माइनस क्या है? 11 माइनस 6 है, इज इक्वल टू 5, राइट? और एन क्या है हमारे पास? एन है, एन इज इक्वल टू एन है, और ए एन एन इज इक्वल टू एन है, कॉमा है ये उसके बाद, और ए एन हमारे पास क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए एन जो है वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये इस तरीके से ए एन हो जाएगा. अब देखें, ए एन जो है इज इक्वल टू ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, और ए एन जो है वो क्या है? ए एन जो है वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करेंगे, 6 प्लस एन माइनस वन क्या है जी? एन माइनस वन 5 एन है, राइट? 5 एन माइनस 5, राइट? उसके बाद ए एन क्या है? 1 प्लस 5 एन. ठीक है, 1 प्लस 5 एन. ठीक है जी, ये हो जाएगा. तो nth टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी जो हमने फाइंड आउट करनी है? तो 1 प्लस 5 एन होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है. ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इफ ए बी सी आर द एलथ एमथ mth and nth term of an arithmetic progression, show that a into m minus n plus b into n minus l plus c into l minus m, क्या है जी उसके बाद? is equal to 0 है. ठीक है, is equal to what? is equal to 0 है. इसको जो है वो हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 है. देखें, इजी है. यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, ए एन किया पहले, इज इक्वल टू, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, स्पेस ज्यादा चाहिए होगी. ठीक है, ए एन इज इक्वल टू व्हाट? ए एन जो है वो फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, ए प्लस क्या किया? एन माइनस वन किया, इंटू क्या किया? इंटू डी किया. ठीक है, अब एलेथ जो है वो क्या होगी? एलेथ इज इक्वल टू ए प्लस इंटू एल माइनस वन इंटू डी. ठीक है, एल माइनस वन इंटू इंटू डी है. ठीक है, और ए इज इक्वल टू ए प्लस एल डी, ए प्लस एल डी माइनस डी. ठीक है, ये क्या है? वन हो गया. ठीक है, अब एमएथ क्या है? एमएथ हमारे पास क्या है? एमएथ हमारे पास होगा जी इज इक्वल टू, इसमें फाइंड आउट हमने करना है एमएथ, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी. ठीक है, एम माइनस वन इंटू डी हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा. डियर स्टूडेंट, अब बी जो है फाइंड आउट करते हैं. बी इज इक्वल टू ए प्लस एम डी, ए प्लस एम डी माइनस डी. ठीक है, इस तरह हो जाएगा. अब एनथ क्या होगी? एनथ टर्म जो है वो हमारे पास इस तरह, ए प्लस इंटू, ठीक है, एन माइनस वन होगा. ए प्लस क्या होगा? एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मजीद इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। एन माइनस वन इंटू क्या किया हमने, एन माइनस वन इंटू डी कर दिया। अब सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या, सी इज इक्वल टू ए प्लस एन डी, ए प्लस एन डी माइनस डी, ठीक है, और बाय वन टू, ठीक है, टू है और ये बाय वन और बाय टू है, ठीक है। दो इक्वेशंस हैं देखें, एक ए थी और ये दूसरी क्या है जो हमने फाइंड आउट की, ये सेकंड इसको कह लेंगे, सेकंड है, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी हो गई, वन माइनस टू करेंगे, दो इक्वेशंस हैं, वन है और टू है, तो इसमें वन में से हम क्या करेंगे, टू को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो मैं आपको लिख के जो है वो बता देता हूँ, ठीक है जी। इस तरीके से होगा नेक्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास यहाँ आएगा जी एल डी माइनस एम डी, एल डी माइनस एम डी इज इक्वल टू ए माइनस बी है, ठीक है, और डी मेरे पास क्या है, एल माइनस एम है, डी के एल माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस बी है, ठीक है, ए माइनस बी है और एल माइनस एम इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, न्यू हो जाएगा बाय टू माइनस थ्री, ठीक है, क्या करेंगे बाय टू माइनस थ्री, ठीक है, सेकंड को टू में से माइनस करेंगे तो एम डी क्या हो जाएगा, एम डी माइनस एन डी, ठीक है, इज इक्वल टू बी माइनस सी, और डी मेरे पास क्या हो जाएगा, डी कॉमन ले लूंगा इसमें से तो क्या बचेगा, एम यहाँ पे क्या बचेगा जी, एम माइनस एन बचेगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स क्या बचेगा मेरे पास, एम माइनस एम डी कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, एम माइनस एन बचेगा, ठीक है, डी कॉमन एम माइनस एन बचेगा इज इक्वल टू बी माइनस सी, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, एम माइनस एन इज इक्वल टू बी माइनस सी डिवाइडेड बाय डी, ठीक है, बी माइनस सी डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। तो बाय टू माइनस थ्री हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, बाय टू माइनस थ्री जब हम कर रहे हैं, बाय टू माइनस थ्री सेकेंड माइनस जो है वो थ्री से जब हो रहा है तो एन डी क्या बन रहा है मेरे पास, देन एन डी जो है वो क्या होगा, एन डी माइनस एल डी इज इक्वल टू सी माइनस ए, ठीक है, एन डी माइनस एल डी इज इक्वल टू सी माइनस ए, ठीक है, और डी हमारे पास क्या है, एन माइनस वन है, ठीक है जी, एन माइनस वन इज इक्वल टू सी माइनस ए, ठीक है, और एन माइनस वन जो है वो किसके बराबर है, सी माइनस ए डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, होप्सो कि ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्वेश्चन जो है वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कौन सा है। इफ ए इफ वन अपॉन ए कॉमा वन अपॉन बी वन अपॉन सी आर इन ए पी शो दैट बी इज इक्वल टू टू ए सी डिवाइडेड बाय क्या है, ए प्लस सी है, ठीक है, इसको जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर नाइन की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है, देखें यहाँ से मैं नाइन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ आप देखें, तो इसमें ए पी शो दैट क्या करना है, बी इज इक्वल टू टू सी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस जो है वो है वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए इज इक्वल टू वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन बी, ठीक है, न्यू हो जाएगा, उसके बाद जो है वन अपॉन बी, ठीक है, माइनस वन अपॉन ए इज इक्वल टू वन अपॉन सी, ठीक है, वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन बी, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन बी, ठीक है, इज इक्वल टू वन अपॉन ए, ठीक है, वन अपॉन ए, ठीक है, वन अपॉन बी वन अपॉन प्लस वन अपॉन बी इज इक्वल टू वन अपॉन ए, ठीक है, प्लस वन अपॉन सी, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट व्हाट टू अपॉन बी, ठीक है, टू अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है, इस तरह हो जाएगा और इज इक्वल टू बी अपॉन टू कर दूंगा। नेक्स्टली जो है वो मेरे पास ए सी जो बराबर है ए सी ए प्लस सी के है, ठीक है, व्हिच इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू टू ए सी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, ठीक है,
इस तरीके से आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो फाइंड आउट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे होगा। इफ ए वन अपॉन बी प्लस सी, वन डिवाइडेड बाय सी प्लस ए, वन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी आर इन ए पी, शो दैट बी माइनस सी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी डिवाइडेड बाय बी प्लस ए। ठीक है, ये हमने क्या है करना है, ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो हम देख लेते हैं, सी ओ डबल एम ओ डबल एम ओ एन, ठीक है, ये स्पेलिंग होंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है वो हम इसका फाइंड आउट कैसे करेंगे, कॉमन डिफरेंस में जो है वो वन अपॉन सी प्लस ए, ठीक है, सी प्लस ए माइनस क्या करूंगा वन अपॉन बी प्लस सी है, ठीक है, इज इक्वल टू वन अपॉन ए प्लस बी है, ठीक है, माइनस वन अपॉन सी प्लस ए है, ठीक है, वन अपॉन सी प्लस ए है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है बी प्लस सी माइनस इंटू सी, सी क्या है सी प्लस ए उसके बाद, ठीक है, सी प्लस ए डिवाइडेड बाय व्हाट बी प्लस सी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है, सी प्लस व्हाट सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, ठीक है जी, इस तरह हो गया, डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, ठीक है, ए प्लस सी सी प्लस ए, ठीक है, सी प्लस ए हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, बी प्लस सी, ठीक है, माइनस सी माइनस ए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, ठीक है, माइनस ए माइनस बी, डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स फाइनली जो है वो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे जो है वो बी माइनस ए करूंगा और यहाँ पे बी प्लस जो है वो सी हो जाएगा, इज इक्वल टू सी माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस का बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन 11 की तरफ मूव करते हैं। ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट फॉल 12 मीटर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड, 24 मीटर्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड, 36 मीटर्स ड्यूरिंग द थर्ड सेकेंड एंड सो ऑन, हाउ मच विल इट फॉल ड्यूरिंग द 8th सेकेंड, ठीक है, ड्यूरिंग द 8th सेकेंड, ठीक है, सोल्यूशन इसका जब करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 12, 24, 36, ठीक है, 12, 24, 36 होगा, ए हमारे पास क्या है वो 12 है, डी हमारे पास क्या है जी 24 माइनस 12 है, 24 माइनस 12 क्या होगा 12, और एन इज इक्वल टू 8 है, एन इज इक्वल टू 8 है, ए 8 इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ए 8 क्या है, ये हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है इसको, ठीक है, ए 8 को जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है, और ए जो है वो क्या है, ए 8 इज इक्वल टू 12 प्लस क्या होगा 8 माइनस 1 इंटू 12, ठीक है जी, और ए जो है वो 8 इज इक्वल टू 96, ये फाइनली आपके पास आंसर रहेगा, ठीक है जी। तो इस फाइंड क्या करना है, आप क्वेश्चन को देखें, हाउ मच विल इट फॉल ड्यूरिंग द 8th सेकेंड की वो जो है वो बात कह रहा, तो डेफिनेटली हमने क्या करना है वो 8th जो है वो ए 8 फाइंड आउट करेंगे, तो टर्न कौन सी होगी वो 8th होगी, ठीक है, तो जो फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट्स वो 8th टर्म की, तो 96 आ रहा है उस फॉर्मूले के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट, जब हमने उस क्वेश्चन को किया है उसकी जो वैल्यूज जो गिवन है उनको पुट अप किया, तो ठीक है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आपने करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है, 12 जो है वो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इट विल फॉल 96 मीटर ड्यूरिंग 8th फॉल, ठीक है, जो पिछला है उसका आंसर में ये एडिशन कर लें, इट विल फॉल 96 मीटर ड्यूरिंग 8th फॉल, ठीक है, 12 जो है अ मैन डिपॉजिट ₹13,000 इन अ बैंक इन द सेकेंड मंथ, ₹14,500 इन द सेकेंड मंथ, ₹16,000 इन द थर्ड मंथ एंड सो ऑन, फाइंड हाउ मच डिपॉजिट इन द बैंक एट द एंड ऑफ अ ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ व्हाट, एट द एंड ऑफ ईयर है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 13
इस तरह होगा 13130 जीरो जीरो, ठीक है, 13000 कॉमा 14500 कॉमा 16, ठीक है, 00 के बाद किया कॉमा 1600 कॉमा, ठीक है, 1600 कॉमा, ठीक है, सो ऑन। अब ए क्या है मेरे पास, ए जो है वो 13000 है। डी मेरे पास क्या है, डी आपको पता है कि डी टू माइनस डी वन से होता है 14500 माइनस 13123, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। और आएगा क्या, डी की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास 1500 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1500 जो है वो बच जाएगा, ठीक है। और एन क्या है मेरे पास, एन 12 है, ठीक है, ए मेरे पास ए 12 क्या है, इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ए 12 क्या है, फाइंड आउट करना है, ए 12 जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जो है फार्मूला देखेंगे, ए एन, अभी तक तो आपको डियर स्टूडेंट्स याद हो गया होगा, है ना, है जी। तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स, ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ए 12 जो है वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ए की भी है, सब चीजों की वैल्यू है, तो सिंपली हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू को पुट अप करना है, प्लस इंटू 12 माइनस 1 इंटू 15। 12 माइनस क्या है, 1 मैंने आपसे कहा यहाँ पे, और इंटू 12 माइनस 1 इंटू 15 जो है वो क्या है, 12 माइनस 1 इंटू 1500, ठीक है जी। ए 12 जो है वो इज इक्वल टू 29500, ठीक है, ए 12 क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा। ही मस्ट डिपॉजिट रुपीज 29500 एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, ये इसका जो है वो आंसर होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। विच वन इज अ बॉय सेव्स रुपीज 200 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग हिज सेविंग फॉर द रुपीज 25 वीकली। आफ्टर हाउ मच हाउ मैनी वीक हिज वीकली सेविंग विल बी रुपीज, कितनी, 2000 होगी, ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी वीक, कितने वीक बाद, ठीक है, अगर उसकी सेविंग 200 है एंड ऑफ द फर्स्ट वीक एंड गोज इंक्रीजिंग हिज सेविंग फॉर द 20 सेविंग फॉर द रुपीज 25 वीकली, ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखें वो वही फार्मूला अप्रोक्स लगेगा इसमें। एक पहले देखें, ए लिख लेता हूं मैं, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 200 है, डी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 25 है, ठीक है, ए एन क्या है मेरे पास, ए एन इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, ठीक है, एन इज इक्वल टू क्या है ये फाइंड आउट करना है, ए एन जो है वो क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू एन माइनस वन है डी, ठीक है, उसके बाद 2000 एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, बाकी क्या है, 2000 इज इक्वल टू 200, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, प्लस क्या करेंगे, प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू 25, एज इट इज 200 इज इक्वल टू 25 इंटू एन माइनस वन, ठीक है, ऐसे है 25 और एन माइनस वन इज इक्वल टू 1800, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब 1800 के बाद क्या करेंगे, एन माइनस वन, एन माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1800, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय 25 होगा, ठीक है। अब एन माइनस वन इज इक्वल टू 72, एन माइनस वन इज इक्वल टू व्हाट, 72 हो जाएगा, ठीक है। और ए 12 क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, ए 12 क्या है, ए 12 इज इक्वल टू 73, ठीक है जी, ये हो जाएगा, ए 12 मेरे पास क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहीं तक ये क्वेश्चंस थे, होप सो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, और कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, तो वी ट्यूशन जो है कम्युनिटी ग्रुप पे आके पूछ सकते हैं, प्री साइन अप करें www.vtutions.com, उस पे जाके जो है वो ट्रेन इंस्ट्रक्टर मौजूद है वहां पे जो है ट्रेन इंस्ट्रक्टर्स ने अपने नोट्स पीपीटीज क्विजेस तमाम चीजें डाली हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक के ऊपर जाके हमें प्लीज फॉलो करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड फैमिली में शेयर करें टू प्रमोट एजुकेशन। अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशन लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।